तथा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्वायल। अब एक क्वायल है जिसमें 50 टर्न्स है, रेडियस 5 मीटर है और उसमें 2 एम्पियर करंट हो रही है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, अगर कोई क्वायल है, ये हमने एक क्वायल बना लिया जिसका रेडियस आर है, ओ है, तो इस क्वायल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या होती है यार, म्यू नॉट आई 2 पाई 2 आर होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है 2 आर, ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बोर्ड के अंदर होगा और उसकी वैल्यू ये होगी। राइट हैंड को जिधर करंट फ्लो होती है उधर कर्ल कर देते हैं, थंब को ओपन कर देते हैं, फील्ड अंदर चला जाएगा। तो अब सभी वैल्यू रख दो, म्यू नॉट की वैल्यू रखो 4 पाई × 10⁻⁷ और करेंट की वैल्यू कितनी है इसमें बोलो, करेंट ऑब्वियसली फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए 50, करंट 2 एम्पियर है और नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स 50 है और यहाँ से मैं डिवाइड कर दूँ 2 और रेडियस की वैल्यू दिया हुआ 0.5, तो 0.5, तो पॉइंट को हटा दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पॉइंट इस पॉइंट से हट जाएगा और ये 5 इससे कट जाएगा और ये 2 इससे कट जाएगा, तो मतलब 4 पाई इंटू 10 की पावर ये 2, मतलब यहाँ से 20 कम हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, इतना टेस्ला, 4 पाई इंटू 10 की पावर 5, तो ये आ जाएगा 4 पाई। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो इसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो 1.25 × 10⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3.14, ठीक है, तो मतलब ये सॉल्व कर लेना, इसको 1.4, मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा सही, ये वाली चीज़।